नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी स्टूडेंट में। और आज हम बात करने वाले हैं सर रॉगर एट चर्च के बारे में, जिसको लिखा है जोसेफ एडिशंस ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन और द कलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, जो कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं और हमारी आगे की सीरीजेज भी अपलोड होती रहेंगी। सो प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे बीच का जो भी बॉन्डेशन हो मजबूत बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है टेक्स्टेड एरिया में, अगर ये सारी चीजें आपको ब्लर दिख रही हो या क्लियर नहीं दिख रही हो, तो आपने वीडियो क्वालिटी के रेजोल्यूशंस को जिसमें भी देख रहे हैं रेजोल्यूशन, उसको थोड़ा सा हाई कर लीजिए, ताकि जो भी चीजें लिखें क्लियरली दिखाई पड़े, समझ में आए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट किए। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है कि सर रॉगर एट चर्च, मतलब सर रॉगर का क्या मतलब है, एक ऐसे व्यक्ति जिसको चर्च की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ठीक है, चर्च के अंदर की जितनी भी जिम्मेदारियां, उसकी देखभाल करना, उसकी जो भी चर्च की लाइब्रेरी है, उसके अंदर की डेकोरेशन का पार्ट, जो कुछ भी है, और लोगों जो लोग चर्च में जाते हैं उनकी अटेंडेंस का ध्यान रखना, कौन लोग पहुंचे कौन लोग नहीं पहुंचे, इस सभी चीज़ों का ध्यान रखना सर रॉगर की जिम्मेदारी है। ठीक है, सभी लोग उसको सर रॉगर के नाम से जानते हैं, जो कि उस पूरे टाउन के, एक पूरे पर्टिकुलर टाउन के क्या, एक जमींदार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी समझी इसकी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इस टाउन में क्या होता है कि सभी लोग जो भी होते हैं, हफ्ते भर के जितने भी दिन होते हैं, सभी दिन बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन हर एक संडे के दिन ये लोग क्या करते हैं, चर्च में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए, और फिर जो भी प्रीस्ट होता है, जो भी पुजारी होता है, इन लोगों को अच्छी कुछ धर्म के रास्ते पर चलने की कुछ शिक्षाएं और सलाहें वगैरह देता है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग क्या अच्छे बन जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके अपने आपस में हाल चाल पूछते हैं कि कैसे हो भाई, क्या चीज़ है। और जो सर रॉगर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, लोगों को बिल्कुल भी लोगों की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, अब्सेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति अब्सेंट हो जाए, और ये उन सभी लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं जो कि वहाँ पर अब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग संडे को जाते हैं, और ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इस तरीके से संडे के दिन जो भी सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, तो इसके कारण क्या होता है कि सभी लोग जो भी गांव के लोग होते हैं वो सभी लोग सभ्य बने रहते हैं, कल्चर्ड बने रहते हैं, एक अच्छे इंसान बने रहते हैं। अगर ये सभ्यता ना हो उनके यहाँ संडे के दिन जाने की चर्च को, तो वो लोग एकदम बिल्कुल ही असभ्य बन जाए। ठीक है, क्योंकि उस दिन पूजा पाठ होती है, कुछ भी होता है, तो हर एक इंसान के अंदर वही चीज़ है कि अगर वो अच्छे कामों की तरफ चलता रहेगा तो उसके अंदर अच्छे विचार रहेंगे, वो एक कल्चर्ड व्यक्ति बन सकेगा। ठीक है, तो यही उद्देश्य होता है कि संडे के दिन चर्च में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो अब देखते हैं इसकी समझी क्या है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द ऑथर इज़ वेरी हैप्पी फॉर बींग हॉली संडे, जो ऑथर है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है संडे के दिन, हॉली संडे का मतलब, हॉली का मतलब पवित्र संडे के लिए, जो ऑथर का मतलब जोसेफ एडिशंस। ठीक है, कि चलो भाई संडे आया, अब हम लोगों को जाना है, क्यों इतना उत्सुक है, क्यों एक्साइटेड है, क्योंकि उसको पता है कि अच्छे हम इस दिन नए क्लॉथ्स पहनेंगे, लोगों से मिलेंगे और बढ़िया अच्छी तरीके से जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट क्रिएट्स द कल्चरल डेवलपमेंट अमंग द पीपल, यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग क्या है ऑथर के, कि कल्चर ये क्या हमें अमंग द पीपल, मतलब पीपल्स के बीच में क्या कल्चर डेवलपमेंट, यानी सभ्यताओं का विकास करता है, जो हमारी धर्म का विकास होता है। ठीक है, इससे विदाउट दिस कस्टम, इस कस्टम के बिना, इस जो भी परंपरा है, इस कस्टम के बिना द पीपल ऑफ द कंट्री बिकम अनकल्चर्ड, अगर ये सभ्यता नहीं होती कि संडे के दिन सभी लोगों को इकट्ठा होना है, तो लोग क्या बन जाते हैं, अनकल्चर्ड, मतलब कि बिल्कुल ही असभ्य बन जाते। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑन संडे दे आर एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग वन अनदर, यानी कि संडे के दिन उन सभी को अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर मिलता है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को जानने का, नोइंग द पाथ्स ऑफ टोल्ड बाय द प्रीस्ट, जो कुछ भी प्रीस्ट पाथ्स बताता है धर्म के रास्ते पर चलने का, उसको जानने का इन सभी लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में संडे क्लियर्स द डर्ट ऑफ द वीक, यानी कि जो संडे होता है ये क्या करता है, जो भी इंसान होते हैं सारे हफ्ते भर काम करके थक जाते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता, तो संडे के दिन लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, और छुट्टियों के दिन में ये लोग चर्च को जाते हैं, तो संडे क्या करता है, पूरे जो भी वीक की डर्ट होती है, इसको डर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके होते हैं, बिल्कुल अच्छा मन नहीं होता है, और पूरे हफ्ते भर की थकावट को जाकर के, या फिर बोले तो कि जो भी उनका मन होता है खुश हो जाता है, तो ये क्या करता है, संडे क्लियर्स कर देता है उनकी जितनी भी डर्ट होती है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि इट मेक्स द पीपल, यहाँ पर है
कि इट मेक्स द पीपल्स रिलीजियस, ये लोगों को क्या धार्मिक बनाता है, रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है। मैन एंड वुमेन मीट वन अनदर ऑन संडे, जो आदमी और औरतें जितनी भी वहाँ की होती हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं संडे को। दे टॉक वन अनदर एंड लर्न हाउ टू बिहेव वेल, वो एक दूसरे से बात करते हैं। और ये भी इस तरीके से जब आप किसी भी स्थान पर जाएंगे, लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, बात व्यवहार बढ़ेगा, तो वो लोग अच्छे तरीके से बिहेव करना जानते हैं। ठीक है, बिहेव वेल, किस तरीके से अच्छा बर्ताव किया जाए, ये भी सीखने को उनको वहाँ जाने से पता चलता है। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखा है कि दे गो टू द चर्च ऑन संडे इन द सेम फैशन एज अ अर्बन्स टू गो टू ट्रेड फॉर मोर बेनिफिट्स हैविंग रोड ऑन संडे, यानी कि इस तरीके से पूरे गांव का एक क्या फैशन बन चुका है संडे के दिन सभी लोगों को चर्च में मिलने का जाने का। तो हम लोगों ने ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, इसको जाना, ये पूरी समरी है फ्रेंड्स। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो कुछ भी चीज़ें हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी हो, तो आप इसको, ये पूरी एक समरी है, समरी तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आएगा, पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ने के बाद में अपनी जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसको पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आई थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगा। ये समरी केवल इस वजह से कि आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन मिल सके और बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें ये आपके सामने इस समरी के थ्रू आ सकती हैं। अगर इस समरी के बाद में अगर आप और कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने भी जो आप टेक्स्ट बुक हो उसको भी जरूर पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद में, और वो आप लोगों को समझ में आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो जो भी जिस भी टाइप के आपके में क्वेश्चंस आने हो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आने हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आने हो, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या आप पूरी समरी को उठा करके अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो कुछ भी हो बना सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर, कभी भी याद नहीं करे जाते हैं, इनको समझा जाता है चैप्टर्स को, उसके बाद में उसको अपनी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के, तो जब तक क्लियर नहीं होगा कि क्या चीज़ है तब तक वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा करके अपनी भी बुक से उसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि सर डॉगर एट अ जेंटलमैन, सर डॉगर क्या है, एक जेंटलमैन का मतलब सभ्य इंसान है। ही इज रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब वो क्या, एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। ही हैज डेकोरेटेड द इनर पार्ट ऑफ द चर्च, वो क्या उनको उनकी जिम्मेदारी है कि इनर पार्ट के चर्च के इनर पार्ट को डेकोरेट करने की, चर्च विल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, और रिलीजियस बुक्स से भी डेकोरेट करने की। ठीक है, अलग अलग धार्मिक किताबों से डेकोरेट करने की। ही हैज, उसके बाद में फिर क्या है हमारा, देखते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा है कि गिवन अ गुड क्लोथ फॉर अ प्रीचिंग, यानी कि लोगों को अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं प्रीचिंग उपदेश देने के लिए। ही हैड डन ऑल एफर्ट सो दैट ही कैन टेंस एंड अ प्रीस्टिशियंस, वो हर एक सारे इफेक्ट इफॉल्ट करते हैं जिससे कि लोग धार्मिक बने रहें और लोगों को चर्च में आने में अच्छा आनंद आए। ठीक है, चर्च इजली एंड रेगुलरली, सभी लोग रेगुलरली आएँ और इजली चर्च में आए। ठीक है, एवरी वन हैज़ बीन गिवन हैंडसम प्लेसेस फॉर प्रेइंग विच दे मे प्रे इजली नीलिंग, यानी कि सभी लोगों को घुटने टेक करके वहाँ पर प्रार्थना करनी होती है चर्च के अंदर। बाय दिस अटैम्प्ट ही हैज़ मेड द पीपल्स प्रीस्ट जेंटल, सभी लोग उसको क्या अच्छी तरीके, जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं इस तरीके की सब सारी चीज नियमों का पालन करने पर। ठीक है, सभी लोगों को यानी कि आना है वहाँ पर, अच्छे क्लोथ्स पहन के आना है, इजली और रेगुलरली आना है हर एक संडे को, और अपने घुटनों को देखकर वहाँ पर प्रेयर करनी। इस तरीके से जो भी लोग होते हैं वो लोग सभी जेंटल बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी थी। उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट पैरा है ये क्या है कि जो सर डॉगर इज लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब जो जमींदार होते हैं, असेंबल्ड पीपल चर्च, जितने भी लोग असेंबल्ड होते हैं चर्च में उन सभी के क्या ये लैंडलॉर्ड होते हैं सर डॉगर। ठीक है, ही मेंटेन्स गुड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी वो क्या अच्छे गुड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। हिज टेनेंट्स प्रेज विद कम्प्लीटली डेवोटेड एंड अ कॉन्सेंट्रेशन एट चर्च, उनकी पूरी तरीके से जितना भी ध्यान होता है वो चर्च की तरफ होता है और वहाँ पर जाने वाले लोगों की तरफ होता है। ठीक है, राइटर शोज द लाइट ऑन द करेक्टर्स एंड सेंट्रीज ऑफ रॉगर, यानी कि जो राइटर है वो क्या कर रहा है सर रॉगर के चरित्र पर, करेक्टर पर क्या प्रकाश डाल रहा है। ठीक है, लाइट डाल रहा है यानी कि उसके चरित्र को अच्छा बता रहा है। ठीक है, जो राइटर है, राइटर कौन, जैसे फॉर्डिसन। ठीक है भाई, विथ रिगार्ड ऑफ डिसिप्लिन ही नाइदर लेट एनी वन स्लीप नॉट डॉज, यानी कि इस तरीके के डिसिप्लिन में ना तो वो किसी को सोने देते थे, कई लोग ऐसे होते थे जो कि चर्च के अंदर जाके प्रार्थना करके या कुछ भी करके उनको एकदम से नींद आ गई या कुछ लेट गए हेड डाउन करके, तो ना ही किसी को सोने देते, ना ही डोज, डोज का मतलब एक तो होता है जम्हाई लेना या फिर झपकी लेना, एकदम से किसी को ना ही झपकी लेने देते थे ना ही किसी को सोने देते थे एट चर्च में ड्यूरिंग प्लेइंग।
प्रेइंग, प्रेयर करने के दौरान में, ठीक है, किसी को नहीं करने देते थे। समटाइम्स ही कम्स इन द मूड दैट ही बिगिंस वर्सेस एंड अदर्स कम्स इन अ मूड ऑफ एंडिंग, ठीक है। कभी कदार तो क्या होता था कि वो अपने मूड के अकॉर्डिंग क्या खड़े हो जाते थे, कभी बैठ जाते थे। समटाइम्स ही प्रनाउंस, यानी वो क्या होता था, कभी कदार वो कस के आमीन आमीन, ईसाइयों को जो भी चर्च में होता है वो एक तरीके का वर्ड होता है आमीन करके, तो कभी तीनों चार बार एकदम से चिल्ला देते थे स्टैंड अप एंड ये काउंट्स द ट्राइस और फाइंड आउट हु सो एवर इज अब्सेंट। और कभी कदार तो वो खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के लोगों की संख्या गिनने लगते थे कि कौन है कौन नहीं आया है, इस तरीके से। वंस ही रिमाइंड जॉन्स मैथ्यूज, एक बार उन्होंने जॉन्स मैथ्यूज को समझाया। जॉन्स मैथ्यू क्या करता था, एक व्यक्ति था जो कि प्रार्थना के दौरान में अपनी एड़ियों को पता नहीं क्या रगड़ रहा था, जमीन में कुछ भी कर रहा हुआ तो कुछ आवाज हो रही होगी, तो उसको उन्होंने समझाया कि तुमको अपने अपना व्यवहार अच्छे अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ उसको बताई थी, यानी कि इस तरीके से जो भी है राइटर है ये सर रॉगर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता है, ठीक है। हमारे व्यक्ति बिहेव सिंसियरली, यानी उन्होंने जॉन्स मैथ्यूज जो था जो अपनी एड़ियों को रगड़ रहा था उसको बिहेव सिंसियरली करने की चेतावनी दी थी। जॉन्स मैथ्यू वॉज रबिंग हिज हील्स, यानी वो क्या कर रहा था, रबिंग हिज हील्स, अपनी एड़ियों को रगड़ रहा था वाइल्ड प्रेइंग, प्रार्थना के दौरान। द पीपल्स वर नेवर डिस्टर्ब विद रूड बिहेवियर ऑफ सर रॉगर, जो लोग थे, अब लोगों को क्या करना चाहिए, उनसे चिढ़ना चाहिए कि क्या सर रॉगर भी हैं, फालतू में इधर उधर करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लोगों को क्या उनसे चिढ़ होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन लोग उनसे क्या करते थे, चिढ़ते नहीं थे और उनका बल्कि सम्मान ही करते थे, ठीक है, क्योंकि वो स्वयं ही भी अनुशासन का पालन करते थे, लोगों को भी शिक्षा देते थे, ठीक है। ऑन द यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ऑन द कॉन्ट्रडिक्शंस दे प्रिस्टेड हिम, वो केवल लोगों का विरोध नहीं कर, जो भी लोग वहाँ पर थे वो उनका विरोध नहीं करते थे, ठीक है, सर रॉगर का। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैरा है कि सर रॉगर आफ्टर फिनिशिंग द प्रेयर गेव द टाइम टू टॉक टू हिज टेनेंट्स, यानी कि सर रॉगर जो थे वो प्रेयर के ख़त्म होने के पश्चात में क्या करते थे, अपने टेनेंट्स जो भी उनके शिक्षार्थी थे या फिर उनसे जो भी मिलने वाले लोग होते थे उनके साथ में कुछ टाइम व्यतीत करते थे, बात करते थे, टॉक करते थे। अनलेस सर रॉगर वेंट आउट, जब तक कि सर रॉगर जाते नहीं थे, नन लेफ्ट एंड सेड द व्हेन ही वेंट आउट, यानी जब तक सर रॉगर नहीं जाते थे कोई भी वहाँ से हिलता नहीं था। ही आस्क्ड अबाउट द फैमिलीज एंड देयर डेली रूटीन, सभी लोगों से वो क्या उनकी अब तुम्हारी फैमिली उनकी फैमिली के बारे में पूछे थे और कैसे हाल चाल, तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक है, तुम्हारी डेली रूटीन क्या चल रही है, इस तरीके के क्वेश्चंस हर एक व्यक्ति से वो किया करते थे। डूइंग दिस ही मेड देम नो दैट ही हैज़ गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, इसके बाद में वो क्या करते थे, लोगों से उनकी इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते थे और ये इस तरीके से वो भी ये भी चीज़ भी जान लेते थे कि कौन आया है कौन नहीं आया, लोगों से बात करने पर ही पता चलेगा ना कि कौन आया है कौन नहीं आया, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ों को जान लेते थे। द प्रीस्ट ऑफ द चर्च वंस टोल्ड द राइटर्स द सर रॉगर गेव द बाइबल टू अ बॉय परफॉर्म, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि परफॉर्म वेल, यानी कि जो लड़का था उसने परफॉर्म वेल किया था डे आंसरिंग एंड क्वेश्चन, यानी प्रश्नोत्तर के दिन में। गेव हिज मदर अ फ्लैश पीस, उसको एक फ्लैश पीस दी थी। ही इंक्रीज्ड 5 pounds पर ईयर इन सैलरी एंड अनाउंस्ड एट द पोस्ट ऑफ द क्लर्क, यानी उन्होंने वो 5 pounds की बढ़ोतरी कर दी थी प्रीस्ट की सैलरी में, और ये भी अनाउंस किया था कि जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा वो अगली बार के लिए नेक्स्ट प्रीस्ट क्लर्क चुना जाएगा। ही विल बी गिवन टू अ डिजर्विंग कैंडिडेट आफ्टर द रिटायरमेंट, जब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, जो अभी चल रहा है प्रीस्ट पुजारी, उसकी रिटायरमेंट के बाद में उसको रखा जाएगा जो इसका अच्छा व्यवहार है। प्रेजेंट इनक्यूबमेंट्स हु हैव ग्रोन ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर वॉज गुड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ है कि देयर वॉज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सर रॉगर एंड प्रीस्ट क्लर्क, जब मतलब
जो सर रॉगर थे यानी कि जमींदार और प्रीस्ट क्लर्क मतलब कि जो पुजारी था, उनके बीच में एक अच्छा खासा बात व्यवहार चलता रहता था, उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, बोथ ऑफ देम हैड गुड कोऑपरेशन, दोनों लोग एक दूसरे की खूब सहायता करते थे। ही हैड गुड इफेक्ट ऑन द एरिया, वो इसके वजह से जो एरिया के लोग थे उन सभी पर अच्छा प्रभाव पड़ता था, बुरा नहीं पड़ता था। जबकि दूसरी कंट्री के जो भी लोग होते थे, दूसरे उधर के टाउन के लोग होते थे, वो उनके उनके बीच में और जो भी जमींदार होता था उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते थे, इस वजह से जो भी लोग वहाँ के होते थे उन पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, तो बियॉन्ड इन अ नेबरहुड कंट्री ही वॉज ऑलवेज डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड प्रीस्ट क्लर्क, बोथ ऑफ देम यूज टू क्रिटिसाइज ईच अदर, जो दूसरे के यहाँ के होते थे वो एक दूसरे से जला करते थे और क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना किया करते थे, एक दूसरे की बुराई हमेशा किया करते थे। जबकि यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ के जो जमींदार प्रीस्ट ऐसे नहीं थे, सर रॉगर और यहाँ का प्रीस्ट ऐसा नहीं था। ही हैड बैड इफेक्ट ऑन द पीपल्स ऑफ दैट एरिया, इस तरीके से जो जो लोग लड़ा करते थे, जहाँ के जमींदार और पुजारी आपस में ही लड़ा करते थे, तो वहाँ के लोगों पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता था। द प्रीस्ट क्लर्क हैड मेड द पीपल्स एथिस्ट, इस तरीके से वहाँ के लोग भी नास्तिक बन गए थे, जहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं होता था उनके बीच में, और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सबके बीच में चल रहा था। इस तरीके से ये जो हमारा था, ये एक छोटा सा चैप्टर था जो जिसमें जिसके माध्यम से सर रॉगर के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।